कोरबा के घंटाघर मैदान में आयोजित गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने इराक के बगदाद शरीफ से कोरबा पहुंचे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के 88वीं पीढ़ी व गौस ए पाक के 18वें पुस्त अल शेख अल सैयद हाशिम अली गिलानी को सुनने छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों से कोरबा पहुंचे। जाहिरीनों की खिदमत में सुन्नी मुस्लिम जमात द्वारा शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। घंटाघर चौक पर स्टॉल लगाकर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शीतल शरबत का आनंद लिया। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खास करके सरजमीन कोरबा में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इराक के बगदाद शरीफ शहर से हमारे यहाँ अल शेख अल सैयद हाशिम अल गिलानी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 28वें और गौस पाक के 18वें पुस्त में से आते हैं, आज जो सरजमीन कोरबा में तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए बड़े ही मुसर्रत की बात है, बड़े ही खुशी की बात है। और उनके आमद हो चुकी है, उन्हीं की आमद की खुशी में आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगा के शरबत बांटने का एहतमाम किया है। इसका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे शहर में जो कि बगदाद से आए हुए गौसुलवरा के शहजादे, उनके 18वीं पीढ़ी हमारे शहर में कदम रखे हैं, उस कदम की बरकत से हम पूरे दिल से और पूरी आस्था से और पूरे शहर के लिए दुआ करते हैं कि हज़रत के कदम हमारे शहर में अमन चैन खुशहाली ले आए। और आज मुस्लिम युवा मंच के माध्यम से और सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से यहाँ शरबत का इंतज़ाम किया गया है ताकि कि आए हुए ज़ायरीन इसका मज़ा ले सके और अपनी थकान दूर कर सके।